जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बेहतरीन, आप सुनाए? मैं बेहतरीन ही। देखो किसी ने कितनी जहालत करके गंद फेंका हुआ तो अच्छा हमारी शर्त लग रही थी, मैं कह रहा हूँ 15 मिनट में पहुंचेंगे और ये कह रहा हूँ 25 मिनट में पहुंचे। अब तू ये भी नहीं कह सकता अगर लेट होगा तो मैं अटेंड कर देना, तू करा ली है अच्छा कैसे 15 मिनट पहुंच जाएंगे लग रहा है। इमरान भाई अगर आप जीत रहे पे कोई इंसेंटिव रखे तो रेस तो मेरे हाथ में है, मल के पैर में। भाई अगर वो जीता तो मेरा भाई जीतेगा तब भी मुझे खुशी है, अगर मैं जीता तो यार ये बंदा पूरा सियासी जवाब ये वो लोग हैं जिन्होंने आजकल सियासत से ब्रेक ली हुई है। हाँ। ये वैसे बयान जारी कर रहा है। लो ये जानवर जाना शुरू हो गया कि नहीं? वो सामने क्या जा रहा है? फर्नीचर है? नहीं, जानवर है। वो ये चेक कर रहा है, ये देख लाल रंग का साहिवाल। साहिवाल नहीं है, बिल्कुल हड्डियां निकली। वो यार ये दुम्बे बड़े प्यारे हैं, दुम्बे यार। इस जाइए वापसी पे चक्की वाला दुम्बा लेना है। कितने का होता है ये? होगा 50,000 रुपए का। 60 लोगों ने 40 का लिया यार, छोटा होगा ना ये साइज। ये बकरे का ये है, वो है ना सिंधी है ना, आधा ब्राउन और ये सिंधी होता है ना। इमरान भी राजरपुर आ गए, चाचा लेके खड़ा। अच्छे अच्छे बकरे थे चाचा। अच्छा तुम्हारे गैस करते हैं आज हम, ये चलो ये भी कर लेते हैं मुकाबला। हम गैस करेंगे कि चाचा क्या मांगेगा और फिर देखते हैं चाचा क्या मांगता है। आपने जिसका ला कहना है उन्होंने कहना रुपया 2.5 लाख, फिर आपने कहना जोड़ी का, उन्होंने कहना नहीं 1 दा, फिर यही ने सर पकड़ के बैठ जाना है ना। भाई नु आज नहीं कहंदे, वो कहंदे 1,55,000 यार। भाई अब जानवर कह रहे थे ना जी, तो मैंने कहा कि अभी तो गर्मी भी बड़ी है और वैसे भी अंधेरा हो गया, तो आज आपको जानवर दिखाते हैं जिसको देख के आपका दिल खुश होगा। जैसे आपको हम गाड़ियां दिखाते हैं ना तरह तरह की, आज आपको जानवर दिखाते हैं जिनको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या उम्मीद है कि लाइट हो वहाँ पे, तो आपको दिखाते हैं। वैसे तो कुर्बानी में मतलब वही बात है, हर बंदे को अपनी इस्तात की तो अभी करनी चाहिए, और मेरा तो मकसद ये होता है कि गाड़ी में भी और इसमें भी एक एक्सपिरेशनल वैल्यू होती है कि लोगों को दिखाई जाए कैसे कैसी चीज़ें लोग बनाते हैं पालते हैं। तो ये आज आपको दिखाते हैं कि यहाँ कैसे कैसे जानवर हैं। आपको डरते नहीं लगते जानवर? नहीं 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 नहीं, ऐसे देख ले। नहीं भाई ये सही वाली होती ना रेड। साफ सुथरा फार्म चेक करें, वो चेक करें सामने बट आ गया, बट हमें बताएगा सारे जानवरों के बारे में। वो देखो ना बड़े बड़े जानवर नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोर भी है क्या बट साहब? ये लोग कह रहे थे कि बट नहीं पहुंचा क्या? ये दोनों कह रहे थे बट नहीं पहुंचा। जब आपको कह दिया कि आपसे पहले आऊंगा तो इंशाल्लाह आपका ऑर्डर लोहे का गार्डर भजन। हम भी देखे आ ही गए, बॉय हमारा परेशान था, अंधेरा हो गया, वीडियो नहीं बनेगी। मैंने कहा देख लेते हैं क्या होता है, सही नहीं बनेगी, देख लेंगे अच्छी बन जाती है। ये मेरे रस्ते में रहता, आपको जानवर दिखाते हैं, हम लोगों को तरह तरह की गाड़ियाँ दिखाते हैं, जानवर दिखाते हैं। ये छोटी छोटी कोई खास नस्ल है? ये छोटी ही रहती है, वो इंडियन राजस्थानी लग रही है। हाँ उसको वो थरी ब्रीड भी कहते हैं उसको, और ये कंक्रीज भी कहते हैं। ये वाली नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये मिनिएचर है। ये मिनिएचर लग रही है, ये तो कुछ बड़ी है। मिनिएचर है, ये भी मिनिएचर है। ये तो बहुत ही छोटी, इसकी उम्र कम है क्या? नहीं नहीं, ये पूरी उम्र। कराची में उस दिन दिखा रहे 36 लाख रुपए की इसकी बिकी है। दूसरे दिखाता हूँ। अच्छा ये जो है ये क्या, ये जंगली है? ये तो बिल्कुल यार्क टाइप लग रही है। इंडियन ब्रीड है कंक्रीज ये, उसके साथ हमारे जो ये नहीं है राजस्थान के, पाकिस्तान हमारा है तो 44 स्थान है, उनका राजस्थान है, तो उनका एरिया जैसलमेर और हमारा जो बॉर्डर लगते हैं ना, उन दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इस तरह के जानवर हैं जिसे हम कंक्रीज भी कहते हैं और दूसरा थरी भी कहते हैं। सही है, तो ये रोई की है। हाँ वो आगे पिंक क्या खड़ी है? ये बच्चे हैं, ये ब्राह्मण इम्पोर्टेड है ये वाले। ये हाँ ये वो क्या है? और वो ये कट्टा तो ब्रिटिशर लग रहा है। कट्टा 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 कट्टा, ये ब्रिटिशर क्यों लग रहा है? इसको क्या कहते हैं, ये वाइट जो कुदरती नहीं हो जाते हैं वैसे। अच्छा। इंसानों में भी हो जाते हैं। ये भी कोई छोटी नस्ल है? ये भी मिनिएचर है यार। यार ये आना, ये तो हमारी लग रहा है मुझे जानवरों में। ये जफर भाई इसको खोले तो जानवर था हमारी। अच्छा, ये, हाँ जी ये हमारे, ये हमारे जफर भाई हैं और ये सारे जानवरों को मेंटेन करते हैं। अच्छा वैसे अगर ये गाड़ी होती थी LC 300 तो था। अच्छा ये बच्चा है अभी? बच्चा ये भी खीरा बच्चा है फॉर नेक्स्ट ईयर। खीरा मतलब ये तो न्यू बॉर्न हुआ? नहीं नहीं, दो दांत नहीं हुआ अभी। खीरे से मुराद ये होता है दो दांत नहीं हुआ अभी। अच्छा बट साहब ये एग्रेसिव होते हैं कि जब मेलो होते हैं? नहीं नहीं, आप इनको प्यार करते हैं इजी रहते हैं, जैसे कि ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये माशाल्लाह। यार इसका साइज तो मेरे भी कद से ऊपर जा रहा है नेक्स्ट ईयर के। भाई ने आप अपना कद देखे ना इधर आए। ओ नहीं नहीं कुछ कहता यार नहीं बट साहब, अगर दूसरे में आ गया तो फिर
नाराज हो गए थोड़ी पता अगला सुनील बन जाए कुछ भी नहीं कुछ नहीं कहता मैं अगले को नहीं पता सुनील बन जाए कुछ नहीं कहता यार इनको बड़े प्यार से कुछ ऐसा नहीं है ये काम खराब हो जाएगा चले बस रोक दे बस यहाँ पे सर आप इसके साथ खड़े हो अब सीन में इधर खड़े हैं कितना ऊंचा है आपसे ये मेरे जितना नहीं ये तो रैप्टर लग रहा है मुझे माशाल्लाह तो जितने भी कुर्बानी के शौकीन है ना उनका मतलब शौक होता है कि साइज बड़ा हो सही है तो बड़ा साइज लेने के लिए तो इनकी म्यूटेशन करनी पड़ती है तो ये म्यूटेशन ही है समझे सही है और ये अभी आप बता रहे हैं खीरा बच्चे ये बच्चे हैं अभी ये अभी 3 साल और ये दो कम से कम 2 साल और पड़ेगा कैस्पर कैस्पर नाम है इसका हमारे भाई का नाम कैस्पर जी है ये कैस्पर है ठीक है बेहतरीन माशा इसको रोशनी में लेके जाए रोशनी में लेके जाए ना दिखाएं मोड़ लें इसको वो तो ऐसे वाइट चमक रहा है सोचे आपकी ये माशाल्लाह ये भी 2 दांत है ये भी नेक्स्ट ईयर के लिए आने वाले सालों के लिए प्राइस क्या होगी ये ऑलमोस्ट कोई 40 का है अभी 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 ईशान ये रोशनी में जरा खड़ा करो मुझे लग रहा है इसने ना अग्रेसिव होना है और उसने उड़ा देना नहीं नहीं बच्चे हैं कभी वैसे हुआ है कोई अग्रेसिव हुआ नहीं नहीं कुछ कोई वाकया कभी नहीं शान खड़ा करो सीधा कंट्रोल कर लेते लोग हाँ हाँ असल में वो डर रहा है हम लोग बस बाकी सब ना वो ज़्यादा अननोन चेहरे देख के परेशान हाँ। है खासतौर पर लावा को देख के लावा मेरा नाम लावा रख दिया अच्छा लावा पहले लार्वा था आर हमने निकाल दिए लाहौर का पावा कैस्पर लावा ये हाँ, ये आप पहुंच गए हैं पहुंच गए हैं देखा उसके सगे कजन है अच्छा यार मजाक कर ही जा रहे हैं यार ये सिलसिले बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है माशाल्लाह और ये ब्राह्मण है और ये इसके फादर जो है ये विस्की का बच्चा है विस्की एक बहुत मशहूर बुल है ब्राह्मण में ठीक है ये उसका बच्चा है ठीक है अभी मैं आपको जितने इम्पोर्टेड बच्चे हैं ना मैं सारे वो भी दिखाता हूँ ठीक है अच्छा ये भी जरा हम अभी गाड़ी में देख रहे थे वो हमने एक हमर रखा था एक रैप्टर था इसको क्या कहेंगे बट सर नहीं भाई ये अल्लाह की कुदरत है बस मैं आप देखें इसका साइज़ देखें अभी ये 2 साल का ये अभी 2 दांत नहीं हुआ 2 दांत हुआ है अभी 2 दांत यानी ये 28 मंथ्स का हुआ है ये 3 साल 4 साल लोग इनको 5-5, 6-6 साल पाल के फिर कुर्बानी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा हमने इस पर बहुत काम कर रहे हैं ये ब्राह्मण्स हैं और इनके साथ वो 2-3 वो और भी खड़ी हैं वो भी ब्राह्मण ये फुल वाइट है ये वाइट है ये हमारा अपना बच्चा है मेल है हाँ। और ये बड़ी एक अच्छी नस्ल है गुलाबी में सोजला एक इसको मैंने छोड़ा है इनके साथ ज़रा मीटिंग होगी फिर बच्चे आएंगे आगे से देखें अल्लाह करे कि हमें तो चाहिए कि क्रॉस में बच्चे आ जाएँ क्योंकि उसमें हमें साइज़ मिलता है ज़्यादा सही है ये तो बहुत ही क्यूट है ये न्यू बॉर्न्स हैं सारे ऑलमोस्ट न्यू बॉर्न्स हैं ये सारे न्यू बॉर्न्स हैं ये सारे माशाल्लाह स्पेशल हैं ये भी इसकी बट सर नस्ल कोई छोटे का वाली गुलाबी नुकरा है नहीं नहीं बच्चा है ये बच्चा जी सुनील भाई सिर्फ और सिर्फ ये है तकरीबन अभी 13 मंथ्स का है ये नस्ल में बहुत प्यारी है ये नस्ल में बहुत अच्छा बच्चा खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है बड़ा कीमती बच्चा और बड़ा अच्छा बच्चा नहीं माशाल्लाह उसकी वो स्किन की जो बता रही ना कि बहुत ही खूबसूरत है ये तो देख रहे हैं ना आप ये लचक हाँ ये तो खूबसूरती है ये चोलेस्तानी ये खूबसूरती ये हमारी ब्रीड में चोलेस्तानी में है ये बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ काफ़ी ब्रीड हैं हमारे यहाँ ब्रीड है साहिवाल ब्रीड है फिर हमारे यहाँ है थरी ब्रीड है हमारे यहाँ भागनाड़ी है फिर क्या कहते हैं रुझानी नस्ल है और धनी नस्ल है मुख्तलिफ बहुत सारी ब्रीड्स हैं और अब हमारे यहाँ क्या मसला बन गया कि हमारे यहाँ इसके ऊपर काम नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से फ्यूचर ब्रीडिंग पे म्यूटेशन की ब्रीड है वो सारी खिचड़ी पक गई है अगर आप प्योर साहिवाल ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं अगर आप प्योर कोई चीज़ ढूंढने के लिए जाएंगे तो नहीं मिलेगा ये बड़ी मुश्किल से जो है ना ये सारी इनको इकट्ठा किया गया ब्रीड्स और यहां सबसे आम नस्ल कौन सी वो देखो वो देखो वो देखो बेटा कौन कह रहा था वो अत्री मोटर वो देखो अत्री मोटर देखो वो देखो आराम से वो दूसरे वाले डर गए मोड़ ले यार दूसरे फुल डर गए दोनों पकड़ो सबसे अच्छा ये समझ गया हमने सारा कैमरास वगैरह लगाए हुए हैं सारा कुछ सिस्टम लगाया हुआ है ऑनलाइन यार जूते साफ करके जाओ हां कोई इशू नहीं है कोई इशू नहीं अच्छा जी सो यहां पे मॉनिटर भी हो रहे हैं हां हां ये मैं घर से भी बैठ के देख रहा होता हूं सारी चीजें देख रहे हैं आप फार्मिंग के अंदर जो है एक मॉडल वो लेके आ गए हैं तो बस अब हम यहां से निकल रहे बेदिया से और एज एक्सपेक्टेड अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था लेकिन मेरा ख्याल है बेहतर था यार दिन में आते तो बहुत गर्मी होनी थी अभी भी इतनी गर्मी है बस है तो दिन के टाइम तो कुल्फी बन जानी थी जिस तरह वो बट बता रहा था ना जानवरों का वेट कम हो जाता है हमारा वेट कम हो जाना था हो गया होगा नहीं हमारा नहीं होगा तेरा हो गया होगा
तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जाएंगे वापस, रास्ते में हम आपको एक नौजवान दिखाएंगे जो अमेरिका से आता है और पूरा साल जानवर को लेके अगले साल का जानवर लेने आता है और पूरा जानवर पालता है। व्लॉग वाले भाइयों, मेरी बैटरी होगी डेड, तो ये लाइक और जो है ना कमेंट से पता लगेगा कि आपको पसंद आया व्लॉग, तो फिर हम दोबारा जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है, लाइक कर लें, कमेंट में बता दें, आप लोगों की फीडबैक को लेके हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस को पहले से बनाएं, पहले से बेहतर बनाएं। और ब्लॉग चैनल को बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि गाड़ियां तो अपनी साथ साथ चल ही रही हैं, लेकिन जनरली लाइफ में क्या हो रहा है वो आपके साथ शेयर करें। हमारे प्यारे प्यारे दोस्त या हमारे प्यारे दोस्त इमरान भाई, लावा साहब, मेहनत करके आप लोगों के लिए कॉन्टेंट लेकर आए हैं, तो अपने लाइक से और कॉमेंट से ज़रूर बताएँ कि आपको कॉन्टेंट कैसा लगा। और अगर अभी आपने पहली बारी देख रहे हैं हमारा व्लॉग चैनल या कोई भी पहला व्लॉग देख रहे हैं, तो व्लॉग का अलहदा चैनल बना दिया गया पार्क विज व्लॉग के नाम से, जो गाड़ियों से ज़रा हटके लाइफस्टाइल डेली व्लॉगिंग के बारे में है कि क्या हम कर रहे हैं, तो वो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाले व्लॉग के बारे में अपडेट मिलता रहे। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह।